हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से अगला लेक्चर लेके आया हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। मैं चूरामणि कुमार, बोटनी फैकल्टी, आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ आगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था कि लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है, और रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में डिफरेंसेस देखा था। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया था मैंने, और उसके आगे के कितने टाइप के होते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस किस तरह से हो सकते हैं, उसमें हमने बाइनरी फ्यूजन और बडिंग का डिस्कशन किया था। बाइनरी फ्यूजन में मैंने बोला था कि इररेगुलर टाइप भी बाइनरी फ्यूजन हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, और ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किस किस में लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स या इरेगुलर या ऑब्लिक किस में होता है, ये हम अभी वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो यूग्लिना में होता है एंड वर्टिसेला में होता है। अब दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल जाने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री पे होना है उसको, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। इसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो कि पैरामीशियम एंड प्लैनेरिया में होता है, एंड इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन जो कि ट्रेडिशनली कहीं भी हम बाइनरी फ्यूजन दिखाते हैं तो इसी को जनरली दिखाया जाता है कोई भी बुक में, हमारे एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद एक किसी अदर देन 180 डिग्री और 90 डिग्री किसी भी एंगल से अगर हो रहा है तो उसको ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, जो कि सेरेशियम में होता है। किसमें होता है? सेरेशियम में होता है। ठीक है, अब थर्ड टाइप हम चलते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? मल्टीपल फ्यूजन है। तो मल्टीपल फ्यूजन में हम सबसे पहले देख ले कि ये हमारे पास क्या है, एक सेटअप है पूरा। ठीक है, ये हमारे पास पैरेंट अमीबा है और ये स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। मल्टीपल फ्यूजन वर्ड से ही पता है, फ्यूजन मींस ब्रेकिंग डाउन, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को ब्रेक करके मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग में बढ़ जा रहा है। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बना रहा है फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, उसको हमने क्या बोला? मल्टीपल फ्यूजन। जैसे बाइनरी फ्यूजन में क्या बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना ब्रेक डाउन करके मीन्स अपना फ्यूजन करके दो ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते थे? बाइनरी फ्यूजन। सेम हकर्स हेयर, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन मीन्स वो फ्यूजन करके क्या कर रहा है, बहुत सारे में डिवाइड कर जा रहा है। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये आपका टास्क है कि वो एग्जांपल क्या है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप मल्टीपल फ्यूजन का दूसरा एग्जाम्पल हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि ये अमीबा का जो सेटअप है ये कब होता है। तो अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, उसके हिसाब से जब कंडीशन सपोर्टिव नहीं होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अनफेवरेबल कंडीशन आने से पहले आभास हो जाता है कि अब अनफेवरेबल कंडीशन आने वाला है। तो जैसे ही उसे ऐसा अनुभव होता है, ऐसा फील होता है अमीबा को कि अनफेवरेबल कंडीशन आने वाला है, तो क्या करता है? फीड करना स्टार्ट करता है, विग्रसली वो फीड करता है दूसरे पे और अपने आप को ग्रो करता है, साइज ग्रो करता है। देन ग्रो करने के बाद वो एक, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली होती है उससे जस्ट पहले एक लेयर अपने ऊपर बना लेता है। अपने ऊपर क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। और ये सिस्ट जो है इसके अंदर इनिशियल स्टेज में सिंगल अमीबा जाता है और वही बहुत सारी क्या करता है? अमीबा की कॉपीज बना लेता है अंदर। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि ये अमीबा का जो शेप है उसके ऊपर जो सिस्ट बना है तो वो सेफ फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल कॉपीज बनने के कारण वो काफी बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। सिस्टमेंट होने के बाद साइज उसकी नहीं बढ़ती है।
देन उसके बाद जब इसका कंडीशन फेवरेबल आ जाता है तो ये सिस्ट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रोकन सिस्ट दिख रहे हैं और फिर डॉटर अमीबा बाहर निकल जाते हैं। डॉटर अमीबा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मल्टीपल फ्यूजन जो होता है वो अमीबा में कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो हमने इसमें क्या देखा कि पैरेंट अमीबा है, पैरेंट अमीबा क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ सिस्ट बनाया, ठीक है। देन वो अमीबा क्या किया, अपने मल्टीपल कॉपीज उसी सिस्ट कवरिंग के अंदर बना लिया उसने। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, सिस्ट क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गए और जो डॉटर अमीबा थे वो बाहर निकल गए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे हम चलते हैं ऑस्फोरिलेशन में। आइए तो देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन और ऑस्फोरिलेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्पोर फॉर्मेशन में तो टर्म आता है स्पोर, तो स्पोर क्या होता है, जब हम स्पोर की बात करें कहीं पे भी ये टर्मिनोलॉजी आती है, ये टर्मिनोलॉजी आपको जहाँ कहीं भी देखने के लिए मिलता है। सिंपली आपको समझ लेना है कि क्या है, वो रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल के लिए ही स्पोर वर्ड का यूज किया जाता है और ये जनरली प्लांट्स में एंड फंगस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी ये दो टाइप के होते हैं, मोटाइल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। एक मोटाइल होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। आप नॉन मोटाइल और मोटाइल कैसे हमें पता चलेगा, तो मोटाइल और नॉन मोटाइल के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे, जहां भी जो भी आपके पास मोटेलिटी शो करेगा उसके पास कैरेक्टर होंगे कि उसके पास सीलिया या फ्लैजेला होना चाहिए, सीलिया या फ्लैजेला होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, इंडिविजुअल में, तो क्या करेगा, मोबिलिटी शो करेगा, वो मोटाइल होगा, ठीक है। ये हो गया मोटेलिटी के बेसिस पे हमारे पास कि कैसे हमें मोबाइल पता चलेगा और इमोबाइल, इमोबाइल यानी नॉन मोटाइल है, दैट मींस उसके पास ये नहीं होंगे, ये सीलिया और फ्लैजेला नहीं होगा, क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं कि मोटाइल कौन से हैं, तो मोटाइल जो होता है वो जूस स्पोर होते हैं, क्या होते हैं, जूस स्पोर होते हैं, उसके बारे में और अभी आगे चर्चा करते हैं। और नॉन मोटाइल जो होते हैं वो कोनिडिया होता है, क्लेमाइडोस्पोर होता है, इडिया होता है, प्लैनोस्पोर होता है, स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ, सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे माइटोस्पोर है, क्या है, माइटोस्पोर है, क्या है, माइटोस्पोर है। माइटोस्पोर मतलब दो वर्ड है, इसके पास ये दो वर्ड है, कौन कौन सा दो वर्ड है, एक है हमारे पास माइटोसिस, दूसरा स्पोर, मतलब वैसा रिप्रोडक्टिव सेल जो कि किससे बना है, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बना है, उसको क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर बोलेंगे। वैसा स्पोर जो मियोसिस होने के बाद बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मियोस्पोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मियोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट जितने भी है थोड़ा सा उसके बारे में कि किस में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है जूस्पोर, हमारे पास क्या है, सबसे पहले जूस्पोर है, ये मोबिलिटी शो करता है, ये मोबिलिटी शो करता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका शेप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और इसके ओरिजिन जो होते हैं वो इंडोजीनियस होता है, इंडोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि
उसके लिए पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये बनेगा, ये जूस स्पोर क्या होंगे, किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को एंडोजीनियस बोलते हैं। इंडो मतलब अंदर, जेनस मतलब बनना, जेनरेशन होना, कहाँ जेनरेट हो रहा है, वो अंदर ही बन रहा है, इसलिए वो क्या है, इंडोजीनियस। एक्सोजीनियस, एक्सो मतलब बाहर, जेनरेट मतलब बन रहा है, दैट मीन्स एक्सोजीनियस बाहर वो बन रहा है, क्लियर। तो ये जूस स्पोर जो है मोटाइल होते हैं और इंडोजीनियस होते हैं। अब देखिए किस में होता है, तो फाइकोमाइटिसी माइसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल फेंगी भी बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। तो उसका अगर हम एग्जांपल ले, तो मस्टर्ड पैरासाइट जो है अल्बुगो कैंडिडा, उसमें ये प्रेजेंट होता है। फिर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है उसमें ये प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे एल्गी है, उसमें से एक दो एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है एंड यूलोथ्रिक्स है, ये दोनों में जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें ये पाया जाता है, जैसे सेप्रोलेजिनिया है, एचाइला है, बहुत सारे ऐसे हैं। उसके बाद चलते हैं हम कोनिडिया पे। अब यहाँ से ये जितने भी स्ट्रक्चर नीचे देख रहे हैं, सारे के सारे क्या है, नॉन मोटाइल है। तो मैंने सिर्फ इसी में लिखा है, बहुत ज्यादा सब में लिखा नहीं है। तो कोनिडिया क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता, एक्सोजीनस होता है, मतलब बाहर बनता है। और कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर पे बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कोनिडियोफोर। कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर पे बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, कोनिडियोफोर होता है। क्या होता है, कोनिडियोफोर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एस्कोमाइसिटीज में हमारे पास क्या होता है, पेनिसिलियम होते हैं, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, हमारे पास अल्टरनेरिया सदनी होता है। तो इन दोनों में ये कोनिडिया हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद इडिया है, ओडिया जो हो, इडिया बोले या ओडिया बोले, ये दोनों कोनिडिया और ओडिया जो होता है मोर और लेस सेम स्ट्रक्चर पे ग्रो करता है। बस क्या है, कोनिडिया राउंड होता है और ओडिया क्या होता है, थोड़ा वैलिस शेप का होता है। और ये जनरली क्या होते हैं, हमारे पास जो ब्रैकेट फंगस होते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस में जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें पाया जाता है, उसके कुछ ग्रुप में पाए जाते हैं। उसमें एक एग्जांपल है एगेरिकस, जिसको कॉमन मशरूम बोलते हैं। इसके बाद है क्लेमाइडोस्पोर। ये क्लेमाइडोस्पोर जो है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं पे पूछा जाता है किन लिस्ट करके, इतने सारे दे देंगे चार, किन में से कौन सा, जैसे ए बी सी डी ऐसे करके हमने दे दिया क्वेश्चन, कि इसमें से कौन सा स्पोर रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में रेजिस्टेंस शो करेगा। तो हमारे पास आंसर जाएगा क्लेमाइडोस्पोर। क्या आंसर जाएगा, क्लेमाइडोस्पोर जाएगा आंसर। क्यों, इसका रीजन क्या है कि ये रेजिस्टेंस किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थीक वॉल। इसमें थीक वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, रेजिस्टेंस शो करता है। ये भी इमोबाइल होते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो राइजोपस में प्रेजेंट होते हैं और एगेरिकस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ए प्लानोस्पोर। कहीं कहीं पे जैसे जब हम बात करेंगे, तो स्पोरेंजियोस्पोर कोई कोई बुक लिखता है कि स्पोरेंजियोस्पोर और प्लानोस्पोर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ए प्लानोस्पोर एक अलग टाइप का होता है। ए प्लानोस्पोर जो है वो ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, और ये जनरली फाइकोमाइसिटीज में हमको देखने के लिए मिलता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर जो है, जिसके बारे में जब हम स्पोर फॉर्मुलेशन पढ़े थे, जब हम स्पोरुलेशन पढ़े थे कहाँ, 10th क्लास में, तो वहां पे इसी का जिक्र था, डायग्राम जो दिया हुआ था राइजोपस का, में इसी का जिक्र था। ये इंडोजीनियस होता है, ये क्या होता है, इंडोजीनियस होता है, का स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, ठीक है।
उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये जब स्पोरेंजियम ब्रेक डाउन होता है तो स्पोरेंजियोस्पोर बाहर निकलते हैं और ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। किसमें होता है? राइजोपस एंड म्यूकोर में होता है। किसमें होता है? राइजोपस एंड म्यूकोर में होता है। अब आगे हम देखते हैं डायग्राम। अगर हम डायग्राम देखें तो अगर जू स्पोर देखें, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो आप वहां भी देख सकते हैं बड़े आराम से। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास क्या है? जूस पोर है। ये क्या है हमारे पास? जूस पोर है। ठीक। अगर हम देखें स्पोरेंजियस पोर को, किसे देख रहे हैं? स्पोरेंजियस पोर। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है? स्पोरेंजियो स्पोर है। क्या है? स्पोरेंजियो स्पोर है। ये स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर ये बन रहा है, ये क्या है? स्पोरेंजियम है। क्या है? स्पोरेंजियम। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर स्वेलन दिख रहा है ये एपोफाइसिस है। क्या है? एपोफाइसिस। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या है? कॉलुमेला है। ये हम राइजोपस का दिखा रहे हैं। किसका दिखा रहे हैं? राइजोपस का दिखा रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है? राइजोपस की माइसेलियम है। क्या है? माइसेलियम है। ठीक है। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, देखते हैं। स्ट्रक्चर अच्छे से बना ले, इसको मिटा के बनाते हैं। ये डायग्राम आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी देखने के लिए मिलेगा।
ये पेनिसिलियम का क्या माइसिलियम है, पेनिसिलियम का माइसिलियम है ये, और ये हमारे पास क्या है कोनिडियो फोर है और ये कोनिडिया है। क्या है कोनिडिया है। कोनिडिया वर्ड जो यूज किया जाता है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, अगर हम सिंगुलर वर्ड यूज करें तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं कोनिडियम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं कोनिडियम यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्पोरेंजियम जो वर्ड यूज किया जाता है, स्पोरेंजियम जो वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए है, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा स्पोरेंजिया होगा, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हमें जानना था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि फ्रेगमेंटेशन है। जो क्या है फ्रेगमेंटेशन। आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक टाइप का क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। व्हाइल रीजेनरेशन क्या है नॉर्मली एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ये हम देखेंगे। डिफरेंसेस जब हम देखने चलते हैं तो फ्रेगमेंटेशन में वर्डिंग में ही मिल रहा है हमें फ्रेगमेंट। क्या मिल रहा है फ्रेगमेंट। तो क्या है कि जैसे ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो फ्रेगमेंटेशन शो करता है, अब ये कौन सा शो करता है तो फंगस करते हैं, एल्गी करते हैं और कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स करते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स शो करते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ स्पायरोगायरा का। मैंने स्पायरोगायरा लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो जितने पार्ट में मैंने उसको ब्रेक किया, जितने फ्रैगमेंट्स मैंने उसके बनाए हैं, सारे के सारे फ्रैगमेंट्स क्या करेगा एक नया स्पायरोगायरा बनाएगा, एक नया स्पायरोगायरा बनाएगा। सपोज ये तीनों मार्कर को लेके मैं एक पूरा स्पायरोगायरा बनाया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने इसके इस जॉइंट पॉइंट से मैंने ब्रेक कर दिया, तो ईच एंड एवरी जो पार्ट है वो न्यू इंडिविजुअल के जैसा एक्ट करेगा। ये किसकी कैपेबिलिटी होती है फ्रेगमेंटेशन में ऐसा प्रोसेस हो, ठीक है। दैट मीन्स ईच पार्ट जो होगा वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, क्लियर। जबकि अगर हम रीजेनरेशन में देखें तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ईच पार्ट जो है ब्रोकन पार्ट वो न्यू इंडिविजुअल बनाए, ठीक है। और दूसरी बात, ये सिर्फ लॉस्ट पार्ट को रीगेन करता है, रीस्टोर करता है, ठीक है, रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल आपको पता है जब हम छिपकली के पीछे काफी उसको पकड़ने के लिए मारने के लिए दौड़ते हैं तो देखते हैं कि छिपकली क्या करती है अपना पूंछ छोड़ देती है, तो वो और वो पूंछ जो गिर जाता है नीचे, तो ऐसा तो है नहीं कि अब उसके पास पूंछ बचा नहीं है, ठीक है। तो फिर से रिगेन करता है, रिप्लेस करता है उसको, ठीक है, रिस्टोर करता है। वो लॉस्ट हो गया है तो फिर से क्या करेगा उसको रिस्टोर करेगा, क्लियर। तो वो रीजेनरेशन होता है, क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं कि फ्रेगमेंटेशन दो टाइप का हो सकता है। अब ये दो टाइप का क्या कैसे कैसे हो सकता है, एक पैराटोमिया एक्यूटोमिया, पैराटोमिया और एक्यूटोमिया। पैराटोमिया में जैसे ये स्ट्रक्चर है इसको मैंने बीच से फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया है और ईच एंड एवरी क्या कर रहा है नया इंडिविजुअल बना रहा है। Each and every क्या कर रहा है नया इंडिविजुअल बना रहा है तो उसे हम पैराटोमी बोलेंगे। और फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया, उसका साइड से मैंने कट कर दिया, क्या किया साइड से कट कर दिया, तो ये अलग बना रहा और ये अलग बना रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं नए ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो ये क्या है एक्टोमी। अब इसमें क्या होता है, हम कहीं से भी कोई भी पार्ट को उठाते हैं और कहीं से भी उसको ब्रेक करते हैं, सेल होना चाहिए वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जबकि अगर हम इसमें देखते हैं तो ऐसा नहीं है,
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस के द्वारा होता है, किसी भी सेल के माइटोसिस से हो जाएगा, कोई भी स्पेशलाइज सेल नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे स्पेशलाइज सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। और उसी स्पेशलाइज सेल का कहीं कहीं पे नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलीफरेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलीफरेटिव सेल बोलते हैं। ये प्रोलीफरेशन करके क्या करता है, अपने उसके लॉस्ट पार्ट को रिगेन कर पाता है। अब इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल कैसे बोल रहे हैं। तो आप स्टार फिश को कट किए, तो जैसे ही कट करते हैं तो जितना पार्ट है उसको पानी वापस डालने से वो फिर से नया स्टार फिश बन जाता है। लेकिन उसी स्टार फिश को जब हम काफी छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, टुकड़ों में बांट लेते हैं, देन उसको फिर पानी में ट्रांसफर करते हैं, तो फिर से स्टार फिश नहीं बन पाता है। रीजन क्या है? उसके प्रोलिफरेशन सेल, स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो किसी भी तरीके से या तो हमारे कटिंग के दौरान वो लॉस्ट हो गए हैं, या फिर जिसमें है सिर्फ वही बढ़ेगा, और जिसमें नहीं है, जिस पार्ट में नहीं है उसमें नहीं बढ़ेगा। जबकि ऐसा हमारे फ्रैगमेंटेशन के केस में कुछ नहीं होता है, कितने भी छोटे पार्ट में अगर उसमें सेल है तो क्या करेगा, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या होता है, एपिमॉर्फोसिस होता है, मॉर्फोलैक्सिस, जो बेसिकली दो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। एपिमॉर्फोसिस करने का मतलब क्या है, एपिमॉर्फोसिस में हमारे पास कहीं से भी काटेंगे एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब नए वो लॉस्ट पार्ट को रिगेन कर लेगा, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर को वो क्या करेगा, रिगेन कर लेगा, उसको एपिमॉर्फोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिमॉर्फोसिस बोलेंगे। और मॉर्फोलैक्सिस क्या है? मॉर्फोलैक्सिस जस्ट लाइक लिजार्ड में होता है, सलामेंडर में होता है, क्या होगा, सिर्फ उसके लॉस्ट पार्ट को ही रिगेन कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लॉस्ट पार्ट से भी इंडिविजुअल बनेगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ लॉस्ट पार्ट ही रिगेन होंगे। दैट मीन्स अगर छिपकली क्या है या सेलेमेंडर है अपना पूछ छोड़ता है तो पूछ से छिपकली नहीं बनती है, छिपकली में बस पूछ बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? दैट मीन्स वो लॉस्ट पार्ट को रिगेन कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारे में भी होता है, स्किन मॉर्फोलैक्सिस हमारे में भी होता है, स्किन ऐसे स्किन बाहर निकलते हैं तो फिर नए स्किन आते हैं, तो मॉर्फोलैक्सिस हमारे में भी होता है। एक टर्म मैंने लिखा है कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन, ये जनरली ह्यूमन बीइंग के टर्म में ही यूज किया गया है। कि कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई ऑर्गन खराब हो गया है ना, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा आराम दीजिए, ये अवॉइड कीजिए, तो आपका हेल्थ रिगेन हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि वो पार्ट जो खराब हुआ है वो वापस से कंपनसेट कर लेंगे, खुद को रिगेन कर लेंगे अपने प्रीवियस स्टेज में, तो ये कंपनसेटरी रीजनरेशन है। और ये जो भी होता है फ्रेगमेंटेशन जो है वो लोअर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जब भी देखने के लिए मिलेगा लोअर किंगडम में देखने के लिए मिलेगा, जस्ट लाइक फंगस हो गया, लोअर प्लांट्स हो गए, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गए। और ये हमें रीजनरेशन देखने के लिए कहाँ मिलेगा? रीजनरेशन हमेशा हमको एडवांस और हायर ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेगा, जैसे स्टारफिस, लिजार्ड, हाइड्रा, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे पास हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन है, ये रीजनरेशन है। ठीक है, री मतलब फिर से, जनरेशन मतलब बनाना। ठीक है, तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये एक प्रोसेस है। इस बात का हम ध्यान देंगे कि कभी भी अगर आपसे पूछता है कि क्या है ये रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं है, तो आपको जवाब देना है कि ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं है। एसेक्सुअल क्या किसी भी रिप्रोडक्शन के अंदर ये नहीं आता है, ये एक बस प्रोसेस है जिसमें वो रीस्टोर करता है या रिप्लेस करता है अपने लॉस्ट पार्ट।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन का ये स्ट्रक्चर हमने देखा है, ये मोर और लेस राउंड और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जनरली स्पॉन्जेस में देखे जाते हैं। स्पॉन्जेस कहने का मतलब क्या है कि स्पॉन्जेस किसको बोलते हैं? तो जब हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने फाइलम पढ़ा था, क्या है, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा दैट मींस स्पॉन्जेस, उन्हीं को जनरलाइज्ड टर्म में बोला जाता है। तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होते हैं। अब ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है? तो कुछ नहीं है, सिंपली ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे सेल्स हैं वो एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो मास ऑफ सेल है, और ये मास ऑफ सेल जो होता है उसका ईच एंड एवरी सेल जो होता है वो कैपेबल होता है नए ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए। अभी कैसे होता है, जैसे पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि अनफेवरेबल कंडीशन आने वाला है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आना होता है वैसे ही ये क्या करते हैं, गेम्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। पूरा खा लिया, खाने के बाद वो अपने सेल को अंदर बंद कर लिया, छोटे छोटे बर्ड के फॉर्म में वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, इंटरनल बर्ड्स, इंटरनल बर्ड से छोटे छोटे बर्ड के फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिवाइड कर दे रहे हैं। ईच एंड एवरी बर्ड दैट इज ईच एंड एवरी सेल जो है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये बाहर निकलेंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इन सेल्स को एरेक्टियोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरेक्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और इस गेम्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में दैट मींस एबिलिटी कुछ भी हो सकती है, फ्रीजिंग हो सकता है या फिर डिहाइड्रेशन कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि ये गेम्यूल क्या करता है, डिहाइड्रेशन के प्रति रेजिस्टेंस शो करने के कारण ये इंडिविजुअल को बचा कर रखता है, फ्रीजिंग के प्रति बचा कर रखता है, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी अगर हो, स्कर्सिटी भी हो, अनऑक्सीजनिक कंडीशन भी हो जाए, उस समय भी ये इसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। जैसे ही वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगा वैसे ही क्या करेगा, ये गेम्यूल माइक्रोपाइल के थ्रू एरेक्टोसाइट्स को बाहर निकालेगा, और क्या होगा, ईच एंड एवरी एरेक्टोसाइट क्या करेंगे, नए इंडिविजुअल में डेवलप करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, बाहर क्या है, आउटर कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, इनर कवरिंग है, इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में स्पिक्यूल्स हैं, मोनोक्सोन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं पॉरीफेरा में, और ये हमारा एक ओपनिंग है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और बीच में उसी माइक्रोपाइल से हम जब अंदर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पॉट में बहुत सारे कंकड़ रखे हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट वहाँ पे अरेंज्ड क्या होते हैं, एरेक्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारे लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कॉमन होते हैं बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म में। अब जब हम स्पेशली बात करते हैं किसी प्लांट्स की, तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और टर्मिनोलॉजी के द्वारा डिफाइन किया गया है, उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में थोड़ा रफ आइडिया मैं इस क्लास में दे देता हूँ, इसके बाद फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और देन इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसका जवाब के साथ, उसके जवाब के साथ मैं आऊँगा। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल हो सकता है, दूसरा आर्टिफिशियल हो सकता है, क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है।
ठीक है, क्लियर। तो अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी आपके लिए होमवर्क है, वो आप करके आए और कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में। मल्टीपल फ्यूजन का दूसरा एग्जाम्पल देना है अमीबा के अलावा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपके लिए दो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।